भैरुंदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवी सह धारौल के नेतृत्व में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ब्लॉक इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रमदान किया गया, जहां उन्होंने बारिश के बाद जर्जर हो रहे पांडा गांव स्थित बॉक्स ब्रिज में हो रहे बड़े बड़े गड्ढों को श्रमदान कर दुरुस्त किया, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देवी सिंह धारौल, ब्लॉक अध्यक्ष नसुल्ला जंग। साथियों, जैसा कि आप सबको भी दिखे, सीहोर जिले के नसुल्लागंज तहसील के पांडा गांव का जो सेतु है, जिसे सज्जन सेतु के नाम से जाना जाता है, ये बीजेपी सरकार का, शिवराज सिंह सरकार की भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। 50% कमीशन का 1.5 साल में ही पुल क्षतिग्रस्त हो गया, एक एक फीट के गड्ढे इस पुल पे भरे हैं। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस एवं सभी साथियों द्वारा श्रमदान कर ये गड्ढे भरे गए हैं, ताकि गूंगी बहरी बीजेपी सरकार की नींद खुले, शिवराज सिंह के 50% भ्रष्टाचार को लोगों के सामने उजागर हो एवं जनता को सुविधा प्रदान हो, इसलिए श्रमदान के तहत इस पुल के सभी गड्ढे आज भरे जा रहे हैं। आज का जनता गांधी जयंती का उपलक्ष्य क्या है? क्योंकि जो ये पुल शिवराज जी ने बनाया तो डेढ़ वर्ष ही हुआ है, और इस पर रोज़ महिलाएं, बच्चे, स्कूल के बच्चे आना जाना, सारे लोग परेशान होते हैं। गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि आप देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट तो चढ़ी चुका है। और उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने जो प्रदेश के अंदर भी 4 लाख करोड़ के जो गड्ढे किए हैं, वो गड्ढे भी हम लोगों को भरना है, जनता को भी भरना है वो गड्ढे भी।